प्रदेश के साथ ही ग्वालियर में लगातार हो रही बिजली कटौती के कारण आम जनता का हाल बेहाल है। ऐसे में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव करते हुए शहर में हो रही घोषित अघोषित विद्युत कटौती को बंद करने की मांग की गई। आम आदमी की प्रवक्ता रुचि गुप्ता के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ऊर्जा मंत्री के बंगले पर प्रदर्शन किया गया। रुचि गुप्ता ने आरोप लगाया कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जब सरकार में नहीं थे तो विद्युत कटौती को लेकर लगातार आंदोलन करते थे और गरीबों के विद्युत कनेक्शन कटने पर खुद कनेक्शन जोड़ने नसनी लेकर विद्युत लाइनों पर चले जाते थे। लेकिन आज जब वे खुद ऊर्जा मंत्री हैं तो शहर में जनता विद्युत कटौती के कारण परेशान है, जिस कारण आम आदमी पार्टी को जनता की आवाज़ उठाने के लिए आज प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। शहर और हमारा दुर्भाग्य है कि ग्वालियर शहर के ही ऊर्जा मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, और ग्वालियर शहर ही अंधकार में है। ये कैसे ऊर्जा मंत्री हैं जहाँ ऊर्जा ही नहीं है? कम से कम अपने ग्वालियर शहर में तो ऊर्जा प्रॉपर प्रदान करें। ऊर्जा मंत्री जी पहले तो नज़र आते थे, नसेनियाँ लगाते थे, कटे हुए कनेक्शन जोड़ते थे। आज दिनांक में लाखों लोग परेशान हैं, 8-8 घंटे के अघोषित कटौतियाँ हो रही हैं, बिजली घरों में नहीं है, इवन शहर के जो पॉश एरिया हैं वहाँ भी बिजली नहीं है। तो यही बोलूँगी कि ऊर्जा मंत्री के शहर में अंधकार है, अंधकार में रहने के लिए मजबूर हैं। इसी बात को लेकर, आम जनता की आवाज़ को लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी आकर हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुने और जल्द समाधान करने का आश्वासन दें। इसी अभी मेरी फ़ोन पर बात हुई है उनसे, वो 15-20 मिनट में यहीं आ रहे हैं। मंत्री जी विकास यात्रा निकालने वाले हैं दोबारा से, आज प्रेस अब विकास हुआ हो तो विकास यात्रा निकले, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी से अलग हटके जनता से पूछा जाए कि क्या सच में शहर का विकास हुआ है, पता चल जाएगा विकास घरों का हुआ है, महलों का हुआ है, या मंत्रियों के बंगलों का हुआ है, या आम जनता का हुआ है। अब देखिए, हम तो आम जनता की लड़ाई लड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा और हम क्या बोल सकते हैं। तो आम जनता की आवाज़, जो मुद्दे हैं शहर, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे वो कैसे भी उन तक ला कर दें जनता तक।